हेक्सागोन है यानी कि समषटभुज है, हिंदी में भी लिखा हुआ है षटभुज। इसको निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 360 में हम 6 से भाग कर देंगे, 60 हो गया हमारा। तो हमें जब एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो 120 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके सभी कोणों की अगर बूझ लेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 120 गुणा 6 कर देंगे, 1272, 720 इसके सभी कोणों की माप हो जाएगी। इस प्रकार मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन या फिर रेगुलर ऑक्टागोन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका एरिया और एंगल पूछ देता है। एंगल के बारे में मैं आपके लिए बता चुका हूँ, एरिया के बारे में आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। एरिया किस प्रकार से आप निकालेंगे, वैसे तो बहुत सारे तरीके के आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बट मैंने इसके लिए थोड़ा सरल किया है तो आप समझ लीजिएगा। देखिए ये एक हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का प्रत्येक जो इसकी साइड है वो ए ए है, ठीक है। मैंने ए मान रखा है इसके लिए। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो मैंने एक चीज़ निकल के आई कि ये जो बन रहे हैं ट्राइंगल, ये जो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पिछली वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ, उसका एरिया होता है √3y^4a², ठीक है। तो अगर मैं उसमें 6 से गुणा कर दूँ तो हमारा रेगुलर हेक्सागोन के एरिया का फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसके जो भी साइड होगी उसमें हम इसको 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 2 तिया, यानी कि सीधे सीधे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसको आप इस प्रकार से समझ चुके होंगे कि जो हम ट्राइंगल किस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका एरिया हो जाएगा आपका 3√3a² / 2, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की मैं बात करूँ तो इसको मैं पिछले वाले का पेरीमीटर रह गया था, पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये ए दे रखा था, 6 साइड है इसलिए मैं 6a कर दूंगा, क्योंकि ए ए जो होगा वो 6 बार जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 6 बार जुड़ जाएगा इसलिए 6 से आपका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर का।